आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली क्रिस्पी और सुपर टेस्टी चिकन पकौड़ा की रेसिपी। ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ज्यादा कुरकुरे बनते हैं और खाने में भी ये पकौड़े बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो क्या है वो राज जो इन पकौड़ों को सुपर टेस्टी और क्रिस्पी बनाते हैं? इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन पे जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब कीजिए स्पाइसी फूड कॉर्नर को और साथ में बेल आइकॉन पे भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन और चिकन को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने चिकन को इस तरह मीडियम साइज के पीसेस में कट कर लिया है। तो अब इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो इसे भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 बड़े चम्मच बेसन, 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। आप ऐसा समझिए लगभग 2 बड़े चम्मच नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। नींबू का रस डालने से चिकन पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स और चिकन को अच्छी तरह मिला लेते हैं। पहले हम इसे बिना पानी के ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही पानी डालकर इसे मिलाएंगे तो मसाले सही से मिक्स नहीं हो पाएंगे और इसमें लम्प पड़ जाएंगे। इसीलिए पहले हम इसे बिना पानी के ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह मिला लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और मिलाएंगे। बस पानी हमें इतना ऐड करना है जिससे चिकन के जो पीस हैं वो मसाले में अच्छे से कवर हो जाएं। मतलब पतला नहीं रखना है, गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, जिससे मसाले की कोटिंग चिकन के पीसेस में सही से आ जाए। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढककर 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं और आप चाहें तो एक पूरी रात के लिए भी इसे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आप जितना टाइम इसे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे पकौड़े। मैंने इसे 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है और अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमें इन्हें डीप फ्राई करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा तेल लिया है और तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल भी एकदम गर्म है। अब एक एक करके चिकन के पीस को इसमें डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलट पलट कर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो एक बैच इसके चिकन पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि पकौड़ों का कलर कितना बढ़िया आया है। और सेम इसी प्रोसेस से हम सभी चिकन के पीसेस को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। सारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और मैं आपको इसका कलर और टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, देखने में कितने बढ़िया जबरदस्त लग रहे हैं पकौड़े, और ये देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने हैं और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। आप इन चिकन पकौड़ों को किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये आसान झटपट सी बढ़िया सी रेसिपी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की मेरी ये आसान रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।
साथ ही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।